जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवान है ना। हम अपने मन, मस्तिष्क, दिमाग में इन सभी चीज़ों को अच्छे से उतार लेते हैं, लेकिन हमारे मन में ईश्वर के प्रति जो एक श्रद्धा है, आस्था है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी, जब तक वो पूर्ण सकारात्मक नहीं होगी, तब तक हमें वो परिणाम जीवन में आनंद नहीं महसूस हो पाएंगे। क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार होना, अंदर एक त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। खुद से ज़्यादा उस ईश्वर पर यकीन होता है, उस ईश्वर पर यकीन होता है तो खुद पर यकीन होता है। मन में एक सकारात्मक लहर होती है, इर्द गिर्द पॉजिटिव माहौल होता है, और चीज़ें जो हमारे मन मुताबिक नहीं कहना चाहिए, चीज़ें वही चीज़ें घटित होती है जिस चीज़ की हम हमें आवश्यकता होती है, जो हम नहीं प्रकट कर सकते, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें हो जाती है। कई बार हम थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये गलत है या ये सही, हम उसका जस्टिस करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि वो चीज़ें सही थी और वो होना ज़रूरी था। तो भगवान है ना, ये बात आप अपने मन में इस तरह से बिठाएं, जो भी इष्ट को आप मानते हैं, जैसे आप कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, गणपति जी को मानता है, माँ लक्ष्मी को मानता है, एक जिन भी देवी देवताओं में आपका यकीन है, उनका आप नाम कमेंट्स में जरूर लिखें कि हम इन्हें मानते हैं, और इनका नाम आप लिखें। उन पर पूर्ण श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखना है, चाहे हालात कैसे भी हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। खराब हालात होते हैं तो थोड़ा आदमी डगमग हो जाता है, ईश्वर से उसकी नाराजगी होती है, वो होना भी चाहिए, ताना बाना होता है, पर आप उस पर पूर्ण यकीन रखें, क्योंकि तो उस पर आस्था, श्रद्धा, ये तमाम चीजें रखने से हमारे अंदर जो घमंड है, ईगो है, हमारे अंदर जो आलस्य है, और जितनी भी चीजें हैं, वो वहां पर ध्यान केंद्रित होने से ये जितनी भी चीजें हैं ये हावी नहीं होती हमारे मस्तिष्क पे, और ये जितनी भी चीजें हैं ये शांत रहती है, और इनका शांत रहना हमारे लिए प्रैक्टिकली रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आदमी घमंड में आ जाएगा, आदमी आलस्य हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ईश्वर के कई भाव है, ईश्वर मेहनत का नाम है, ईश्वर श्रद्धा का नाम है, विश्वास का नाम है, और न जाने वो सभी पॉजिटिव चीज़ें जो हमें इस जीवन को जीने के लिए जीवंत कर रखती हैं, वो ईश्वर है। बहुत बड़ा दायरा है, शब्दों में उसे प्रकट करना संभव नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, और ईश्वर पर पूर्ण यकीन रखना है, श्रद्धा रखना है, खुद को ये समझाना है, क्योंकि हम जब तक ये समझा नहीं पा रहे हैं, तब तक बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। मन में दो विचार होते हैं, मतलब एक रूटीन हो जाता है, चीजें घटित होती रहती है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करते रहें, और वीडियो में अपनी राय लिखते रहें। जय श्री महाकाल।